शुरू करेंगे वोकेबलरी का ए टू सेक्शन, और ए टू सेक्शन में जितने हमारे वर्ड्स होंगे आज उसको हम कंप्लीट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवर्ड, एडवर्ड का मीनिंग होता है, एडवर्ड का मीनिंग जो होता है वो होता है एडवर्टाइजमेंट का ही शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो एडवर्ड तो आप ऐसे तरीके से याद करते हैं, एडवर्ड यानी एडवर्टाइजमेंट का छोटा सा एब्रिविएशन समझ लीजिए, तो इसका मीनिंग होता है विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, ये लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्ड तो बहुत ईजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एजिस, एजिस का मीनिंग होता है प्रोटेक्शन, सपोर्ट, सपोर्ट या प्रोटेक्शन। तो एजिस को आपको कैसे याद करना है कि जो हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं, एजिड लोग होते हैं, एजिस यानी एजिड लोग जो होते हैं, बुजुर्ग जो हो जाते हैं लगभग 60 से ऊपर, या अब तो 60 से ऊपर वाले ही ज़्यादा हो जाते हैं, नहीं तो पहले 70 से ऊपर वाले ज़्यादा बुजुर्ग माने जाते थे, लेकिन जो एजिड लोग होते हैं उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन सेफ्टी की जरूरत होती है, ठीक है, प्रोटेक्शन केयर की जरूरत होती है, सपोर्ट की ज़्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वो अपना खाना पीना थोड़ा इतनी अच्छी तरीके से अब नहीं खा पाते हैं। तो एजिस का मीनिंग होगा सपोर्ट या प्रोटेक्शन, ठीक है, उनको सपोर्ट करना या उनको अच्छी तरह से प्रोटेक्शन देना, ठीक है, उनकी हेल्प करना, इस तरह के वे में हम एजिस का आंसर निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ती। एरी का मीन्स होता है बहुत ज़्यादा हाइट, बहुत ऊंचाई से रिलेटेड। एरी का मीन्स होता है बहुत ज़्यादा हाइट से रिलेटेड। तो अगर आपको यहाँ पे पिक्चर दिख गया, या ईगल है, ईगल है, और ईगल का जो नेस्ट होता है ध्यान रखिएगा सबसे ऊंचाई पर होता है, या तो बहुत ऊंचाई कोई पहाड़ वगैरह पे बनाता है, या बहुत ऊंचे वाले पेड़ों पर बनाया जाता है। तो ईगल का आपको यह कैसे करना है, ईगल का जो नेस्ट होता है, ईगल का जो नेस्ट होता है वो कहाँ पर होता है, एयर, एयर मीन्स काफ़ी ज़्यादा, जहाँ पे ज़्यादा हवा चलती हो, मतलब ऊंचाई पर, एयर मतलब एयर का लिंक है यहाँ पे, एरी एयर, एरी एयर, ठीक है, एरी एयर से रिलेटेड हो गया कि जो ईगल का जो नेस्ट होता है वो काफ़ी ऊंचाई पर होता है, एयर में होता है, काफ़ी एयर में, ठीक है, एयर में होता है यानी हवा में होता है, काफ़ी ऊंचाई पर होता है। हवा का मतलब ये नहीं है, आपको बस याद करने का तरीका है कि ईगल जो है एयर में उड़ती है, उसका जो नेस्ट होता है वो काफ़ी ऊंचाई पर होता है, और इसलिए एयर की वजह से एयर, एरी आंसर हो गया, एयर, एरी, एयर, एरी आ जाए तो एयर से याद करना आपको, एयर मीन्स हवा, यानी ईगल जो है हवा में यानी बहुत ऊंचाई पर, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा अफेबल, अफेबल मीन्स होता है फ्रेंडली, अफेबल मीन्स होता है फ्रेंडली, हिंदी में मिलनसार, ठीक है, फ्रेंडली है। तो आपको इसको कैसे याद करना है, इसको आपको ऐसे याद करना है कि जो स्कूल में एक टीचर थी, स्कूल में एक टीचर थी, वो अपने बच्चों को, जो क्लास में जो बच्चे होते थे उनको कैसे समझाती थी, वो फेबल सुना के, अच्छी अच्छी फेबल सुना के सिखाती थी, अच्छी अच्छी फेबल सुना के सिखाती थी, ताकि बच्चे उससे मिलनसार बन जाए, उससे फ्रेंडली बन जाए, उस टीचर से फ्रेंडली हो जाए। तो अफेबल का लिंक हो गया, फेबल सुना के सुनाती थी ताकि बच्चे अफेबल हो जाए, यानी मिलनसार हो जाए, उससे फ्रेंडली हो जाए। अफेक्टेड का मीन्स होता, सबको पता है अफेक्टेड और इफेक्टेड दो वर्ड होते हैं, तो अफेक्टेड का मीनिंग होता है हमारा प्रभावित, और प्रभावित आंसर होता है इसका, किसी चीज़ से कोई प्रभावित है, ठीक है। तो मोस्टली ये इसका जो आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव वे में दोनों में होता है, किसी चीज़ से आप प्रभावित है, मतलब पॉजिटिव वे में प्रभावित हो, या किसी नेगेटिव वे में प्रभावित हो, या किसी का परिणाम प्रभावित, ठीक है, प्रभावित किसी भी चीज़ से हो सकता है, ठीक है, किसी भी चीज़ से हो सकता है, तो प्रभावित इसका आंसर हो गया, जहाँ भी हमें प्रभावित का आंसर है। वैसे एफिनिटी, एफिनिटी को हम कैसे याद करेंगे, एफिनिटी का मीन्स होता है हमें किसी चीज़ से लगाव हो गया, ठीक है, किसी चीज़ से लगाव हो रहा है, ठीक है, हम उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उस तरह से रिलेटेड है इसका, लगाव होना है, किस तरह आकर्षित होना। तो एडुलेशन भी इसका मीनिंग था, कि ड्यूमिलेशन, ताकि लोग हमारी तरफ आकर्षित हो, ड्यू एडुलेशन, ठीक है, वो भी एक होता है सिनोनिम्स था। तो वहाँ पर मन को हरने वाला था, यहाँ पे कि नीट लोग, जो लोग होते हैं हमें उनसे, हम उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो इसको कैसे याद करना है, एफिनिटी को कैसे याद रखना है, नीट, नीट मीन्स साफ, ठीक है, जो साफ सुथरे रहते हैं, जो साफ सुथरे रहते हैं बच्चे, ठीक है, बच्चे मीन्स मान लो बड़े, मान लो कुछ भी मान लो, जो साफ सुथरे रहते हैं, नीट लोग लोग जो होते हैं उनसे एफिनिटी हो जाती है, अपनी तरफ से लगाव हो जाता है। जैसे छोटे बच्चे अगर नीट है, काफ़ी साफ सुथरे रह रहे हैं, तो हमें उनसे लगाव हो जाता है। तो इस तरीके से हम इस तरीके को इसको याद कर सकते हैं। मीन्स होता है कोई दुख, यातना, ठीक है, यातना, कोई दुख होना, कोई कष्ट होना, कोई दुख होना या कोई कष्ट होना, तो ये उसके वे में है। तो हमें एफ्लिक्शन को कैसे याद करना, कोई अगर यहाँ पर दिख रहा हो तो आपको पिक्चर में दिखाई भी पड़ रहा होगा साथ के साथ, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो एफ्लिक्शन को हमें कैसे याद करना है, जैसे बता, मैं आपको बता देता हूँ कि अफेक्टेड क्या होता है, अफेक्टेड होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, मैंने अभी आपको बताया, लेकिन जो एफ्लिक्शन होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है, इसका जो प्रभाव होता है हमेशा नेगेटिव होता है, यानी दुख होगा, कष्ट होगा, यातना होगी, इस वे में होगा। तो एफ्लिक्शन को कैसे करना है, एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन, इलेक्शन, एफ्लिक्शन, इलेक्शन, ठीक है। तो दिल्ली इलेक्शन ने कांग्रेस को काफ़ी एफ्लिक्शन कराया, ठीक है, काफ़ी दुख दिया है, दिल्ली इलेक्शन ने
कांग्रेस को काफी एफ्लिक्शन दिया है, काफी दुख दिया है, काफी कष्ट दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रंट मिस होता है बिहेवियर। बिहेवियर बिहेवियर कैसा? शेमलेसली बोल्ड, मतलब कि बदतमीज वाला बिहेवियर, ठीक है, या बहुत भद्दा बिहेवियर उसका बिहेवियर। तो एफ्रंट का मीनिंग होता है कि ऐसा व्यवहार, आपका ऐसा बिहेवियर जो कि समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के याद करना आपको, किसी की बेइज्जती वगैरह करना, अगर आप बेइज्जती करो तो इस तरह का बिहेवियर। तो एफ्रंट मीन्स हो गया हमारा व्यवहार। ठीक है, तो अभी फ्रंट, इसको याद कैसे करना है? फ्रंट से। फ्रंट को कैसे याद करना? देखिए, एक लड़का है, वो नहीं देखता कि उसके सामने, उसके फ्रंट में जो खड़ा है वो बड़ा है, उससे छोटा है, उसका ताऊ है, चाचा है, उसके सामने, किसी के भी सामने उसकी बेइज्जती कर देता है। ठीक है, उसकी बेइज्जती, उसका बिहेवियर ही ऐसा है, वो उसके सामने कोई भी आ जाए उसकी बेइज्जती कर देता है, यानी एफ्रंट मिस हो गया एक ऐसा व्यवहार जो बेइज्जती करता है। ठीक है, शेमलेसली बोल्ड बिहेवियर। ठीक है, शेमलेसली बोल्ड बिहेवियर। ठीक है, तो ये हमारा वल्गर के उसमें भी आता है कि हम कोई वल्गर बातें कर रहे हैं, तो यानी वो क्या कर रहा है? एफ्रंट कर रहा है, बेइज्जती करना है। ठीक है, किसी की बेइज्जती करना इस उस वे में भी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगैप, अगैप में होता है कि सडनली शॉक्ड हो जाना। ठीक है, सडनली शॉक्ड, शॉक्ड हो जाना, शॉक, अचंभित हो जाना, अचंभित हो जाना। तो इसको आपको कैसे याद करना है? अचंभित। ठीक है, अचंभित हो जाना, इस अचंभित को कैसे याद करना है? आपको किसी ने, आपने किसी, आपको किसी ने एक बात बताई कि किसी व्यक्ति के बारे में बताया गया कि वो फलाना जो थे उनकी डेथ हो गई, तो एकदम से आपका मुंह खुला था। अच्छा, ऐसा अगर खुला रह जाए, गैप आ जाए, आपके मुंह में गैप आ जाए, आपके मुंह में गैप आ जाए, कई लोग होते हैं ऐसे मुंह रखते, अच्छा ऐसे करके बोलते हैं, बड़ा दुख के से बोलते हैं, तो अगैप, अगैप मीन्स गैप आ गया मुँह पे, इतनी मतलब शॉक्ड हमने न्यूज़ सुनी कि मतलब बोलते वक्त, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ बस याद करने का, अगैप, अगैप मीन्स हो गया सडनली शॉक्ड, मतलब अचानक अचंभित हो गया, इतनी ऐसी हमने कुछ बात सुनी है, लेकिन हमारा जो इसका असली आंसर है वो अचंभित हो जाना, शॉक्ड हो जाना। तो मुंह में गैप आ गया, गैप आ गया, बोल मतलब मुंह खुला रह गया आ करके, तो अगैप। एग्लोमरेशन, एग्लोमरेशन का मीन्स होता है ढेर, किसी चीज़ का ढेर। ठीक है, उस चीज़ की हमने संचय कर रखा है, प्योर हिंदी करें तो संचय करके ढेर ही है वैसे असली आंसर, इसका आंसर है ढेर, काफ़ी ढेर है उस चीज़ का। तो इसको कैसे याद करना है? एग। ठीक है, एग, और इसको कैसे याद करना है? राशन। ठीक है, राशन में एग का, राशन में एग का क्या है? एग्लोमरेशन है। राशन में एग का एग्लोमरेशन है, एक राशन की दुकान थी, उसमें एग यानी अंडों का, एग मान लो उसको, अंडों का एग्लोमरेशन था, काफी सारी ढेर तक हुए थे उसके। ठीक है, एग्रेंडाइज, एग्रेंडाइज मीन्स होता है बढ़ाना, उसी चीज, किसी चीज को बढ़ाना, बढ़ाना किस वे में? ठीक है, किस चीज़ में बढ़ाना? बढ़ाना वे में होना चाहिए कि वो, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो खुशी हो, किसी भी चीज़ में हो, तो उस चीज़ को बढ़ाना, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाना, खुशी की इंटेंसिटी को बढ़ाना, किसी के दुख की इंटेंसिटी को बढ़ाना, किसी के गुस्से की इंटेंसिटी को बढ़ाना, तो उस वे में हम क्या करते हैं? एग्रेंडाइज वर्ड यूज़ करते हैं। तो एग्रेंडाइज में ग्रांड वर्ड तो दिखाई पड़ रहा है, और आइज मीन्स साइज, ठीक है, या बड़ा साइज, या भी बड़ा, ग्रैंड मीन्स बड़ा, बड़ा से मीन्स हो गया बढ़ाना, ग्रैंड मीन्स होता है बड़ा, विशाल, बढ़ाना वे में, अब बढ़ाने को कैसे एग्रेंडाइज मीन्स, किस चीज़ की प्रवृत्ति को बढ़ाना है। ठीक है, उस तरीके से हम याद करते हैं, पावर में, वेल्थ में, अगर कोई धन में ज़्यादा है, रैंक है किसी का बढ़िया, रैंक बढ़ाना, उसका धन की मात्रा बढ़ाना, उसका रैंक बढ़ाना, गुस्से को बढ़ाना, तो उस तरीके में इसको याद करते हैं, एग्रेंडाइज यानी बढ़ाना, ग्रैंड मीन्स बड़ा यानी बढ़ाना। ठीक है, अगर कोई वर्ड दिख रहा है यहाँ पे, कोई हमें दिख रहा है, तो कोई चोकर सा दिख रहा है, लेकिन वो भूत टाइप का दिख रहा है, तो अगेंस्ट में अगर मैं देखूं तो घोस्ट वर्ड छुपा हुआ दिखाई पड़ रहा है, घोस्ट, GHOST, तो घोस्ट क्या हो गया? अगेंस्ट से हो गया एघोस्ट, सॉरी अगेंस्ट से हो गया घोस्ट। घोस्ट कैसा था? भूत होता है, डराता है हमें, तो डरावना, अगेंस्ट मीन्स हो गया घोस्ट यानी डरावना। एजिलिटी मीन्स होता है काम करने में बहुत बहुत तेज, काम करने में बहुत तेज, चुस्त है, काफी एक्टिव है, मतलब फुर्तीली है, फुर्तीला है कोई बंदा, तो उस वे में हम एजिलिटी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसकी काम करने की जो पावर है वो बहुत एक्टिव है, बहुत चुस्त है, बहुत मतलब फास्ट है। तो देखते हैं एजिलिटी का जो आंसर है उसको कैसे याद करना है। एक एजिड हमारी लेडीज थी, वो काफ़ी कम से कम 70 साल के करीब की थी, तो उसको 70 साल की उम्र में भी बहुत फास्ट, बहुत एक्टिव तरीके से वो काम करती थी। तो लोग कहते थे कि इतनी एज हो गई है, इस एज में तो ज़्यादातर जो बुजुर्ग हैं वो लेटे ही रहते हैं, बेड पर लेटे ही रहते हैं, तो इतनी एज हो गई है वो अभी तक नहीं लेटी बेड पर, वो आज भी एजिलिटी है, वो आज भी एजिलिटी है, इतनी एज हो गई वो आज भी बेड पर नहीं लेटी है, 70 साल की एज में भी एक लेडीज जो थी, बुढ़िया जो थी, वो आज भी एजिलिटी है यानी एजिलिटी इतना काम करती है।
वर्ड है एगोग, एगोग मीन्स होता है, एगोग का आंसर होता है हमारा काफी उत्सुकता, ठीक है, ईगरनेस। तो जैसे कि हम बहुत जिज्ञासु है किसी चीज को जानने के लिए, ठीक है, मतलब हमारे अंदर काफी उत्सुकता है कि ये कैसे होता है, कैसे होता है, कैसे होता है, इस वे में हम एगोग का यूज करते हैं। तो हमारी उत्सुकता है, ठीक है, उत्सुकता इसका आंसर हो गया, काफी ईगरनेस है, ठीक है, ज्यादातर। और जो मीनिंग लिखे रहते हैं ना यहाँ पे, ये भी वही आंसर होता है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, मतलब उसका सिनोनिम्स या उसको कैसे हम एक्सप्लेन करना है, लेकिन जो मैं लिंक है वो मैं आपको मैं समझाऊंगा। तो एगोग को कैसे याद करना है, एगोग, जी ओ जी, अगर मैं गूगल की शॉर्ट फॉर्म बोलते तो गोग बोलते हैं, ठीक है, याद करने के लिए बता रहा हूँ, गूगल की शॉर्ट फॉर्म को गोग बोलते हैं। और गोग का मीन्स गूगल हम किस लिए करते हैं, कुछ भी चीज जानने, हमें कुछ भी चीज जाननी है तो हम गूगल कर लेते हैं, यानी हमारी उत्सुकता जो भी उत्सुकता होती है कि ये करना वो करना, हम गूगल करते हैं। तो उत्सुकता का आंसर हो गया हमारा एगोग, आल जो एगोग का आंसर हो गया गूगल से रिलेटेड हो गया। गूगल में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को सर्च करने के लिए जो हमारे अंदर की उत्सुकता होती है उसे जानने के लिए करते हैं ना, तो एगोग का आंसर वो हो गया। एलैक्रिटी का मीन्स होता है तुरंत एक्सेप्ट कर लेना, पूरे मन से एक्सेप्ट करना, पूरे मन से एक्सेप्ट करना, पूरे मन से उस चीज को एक्सेप्ट करना, पूरे मन से एक्सेप्ट करना, ठीक है, काफी खुशी से एक्सेप्ट करना, ठीक है, काफी खुशी से उस चीज को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करना लेकिन काफी खुशी से, पूरे मन से। तो कैसे आपको याद करना है, एक फ्रेंड था, दो फ्रेंड थे, उसका एक फ्रेंड लंदन में जाके नौकरी कर रहा होता है, तो वो लंदन से जब आता है तो अपने फ्रेंड के लिए, तो अपने फ्रेंड के लिए 1,00,000 रुपए की टाई, 1,00,000 रुपए की टाई लेकर आता है। और जो उसका दूसरा फ्रेंड होता है वो उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है, यार मेरा कितना अच्छा दोस्त है, कितना प्यारा दोस्त है, ठीक है, तुरंत एक्सेप्ट कर लेता, बहुत खुश होता है उसे 1,00,000 रुपए की टाई देकर। तो आपको ऐसे याद करना, वो जो टाई थी वो 1,00,000 रुपए की थी, वो तुरंत उसको एक्सेप्ट करता है, बहुत खुश होता है, बहुत चिल्लाता है, लेकिन इसका असली आंसर है उत्सुकता से, यानी ईगरनेस से उस चीज को एक्सेप्ट करना, एंथुजियाज्म से उस चीज को एक्सेप्ट करना, बहुत खुशी से उस चीज को एक्सेप्ट करना। गंदी सी या फेस वाला कोई व्यक्ति, ठीक है, बहुत मतलब गंदा सा फेस है उसका, तो उस तरीके का लोग जो होगा हमारा एल्बिनो के लाइक, मोस्टली जिनके फेस में काफ़ी दाने 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 काफ़ी होते हैं या फिर वाइट वाइट कलर का होता है, उस वे में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, एल्बिनो व्यक्ति है वो, ठीक है। तो आपको कैसे याद करना है, हम बीन कहाँ पे यूज़ करते हैं, कंप्यूटर में करते हैं, यानी बेकार चीज़ें जब हमारी वो होती है मेल वगैरह में आता है, डस्टबिन, ठीक है, धूल से भरा हुआ गंदी चीज़ हमारी, तो बीन इसमें वर्ड आ रहा है, तो बीन का मीनिंग है कोई गंदी चीज़ से रिलेटेड था, तो एल्बिन हो गया कोई गंदी आकृति या गंदी फेस वाला, ठीक है, जिसका चेहरा कुरूप टैग है, उस वे में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया गंदी आकृति या गंदे फेस वाला, गंदी आकृति या गंदे फेस वाला, या जिसके बीमारी टाइप का है ऐसे लगे, गंदे फेस वाला व्यक्ति, ठीक है। तो फोटो में आपको दिख रहा है तो आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं कि कैसी आकृति वाला होगा, वो अजीब सा भद्दा सा होगा जिसका फेस बड़ा अजीब सा ही होगा। चलो अगला वर्ड एल्कोव, एल्कोव का मीन्स होता है गुफा टाइप का, कोई गुफा, ठीक है, कोई गुफा हो गया, कोई ऐसा मतलब आपने सुरंग टाइप का घर, छोटा सा एक गुफा टाइप का घर बना रखा, सुरंग टाइप का बना रखा, उस वे में, सुरंग आंसर नहीं है लेकिन हाँ उस वे में हम इसको यूज भी कर सकते हैं। तो एल्कोव में अगर मैं देखूं, मैं ओ को अगर ए बना दूं, ओ को अगर मैं ए बना दूं, केव, केव माने क्या होता है, गुफा, तो एल्कोव का मीनिंग भी होता है, एल्कोव लिंक था हमारा केव से, एल्कोव लिंक था हमारा केव से, केव यानी गुफा, यानी एल्कोव मीन्स हो गया गुफा। फ्रेस्को मीन्स होता है ताजी हवा, ठीक है, अब ताजी हवा आती है तो मौसम कैसा होता है, सुहावना, सुहावना में भी यूज कर सकते हैं, ताजी हवा आ रही है या सुहावना है मौसम, उसमें भी यूज करते हैं, प्लीजेंट है, ठीक है। तो इसको कैसे याद करना है, आल फ्रेस्को, हम सभी को अगर फ्रेश हवा चाहिए तो एल फ्रेस्को, ठीक है, अगर हम सभी को मतलब बढ़िया तरीके से एक्टिव रहना है तो एल फ्रेस्को हवा लेनी पड़ेगी, एल फ्रेस्को में ताजी हवा टाइप का, ठीक है, आउटडोर में हमें खेलना चाहिए तो ताजी हवा लेनी, एल फ्रेस्को, फ्रेश हो जाएंगे हम, एल फ्रेस्को लेके हम फ्रेश हो जाएंगे, तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है एलियनेट, एलियनेट मीन्स होता है अलग अलग, आज अगर कोई व्यक्ति दो अलग अलग मतभेद रखते हैं, उनके अलग अलग विचार है, ठीक है, अलग अलग विचार है उनके, तो वो उनके बीच में क्या होगी, मित्र फ्रेंडशिप होगी, अनफ्रेंडशिप होगी, तो मतलब वो एक दूसरे के शत्रु टाइप के होंगे, यानी शत्रु तो नहीं कह सकते लेकिन अनफ्रेंडली है वो दोनों, अनफ्रेंडली है, उनमें कोई भी मित्रता नहीं है आपस में, क्योंकि उनके विचार अलग अलग मिलते हैं, अनफ्रेंडली है, तो इसका असली मीनिंग था अनफ्रेंडली था, ठीक है। तो इसको कैसे याद करते हैं, इसका लिंक है एलियनेट यानी एलियन, एलियन हमसे बिल्कुल अलग अलग है, उनका अलग हिसाब किताब है, कहीं और किसी ब्रह्मांड किसी कोने में रहते हैं और हमसे हम यहाँ पर रहते हैं। तो अगर आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा, तो अगर कोई एलियन को अपने मूवी वगैरह में देखा होगा हॉलीवुड की में, तो किसी एलियन को अगर वो पकड़ लेते हैं, हमारे जो लोग होते हैं धरती के लोग मतलब पृथ्वी के लोग अगर पकड़ लेते हैं उसे, तो वो उनसे डरता है,
ठीक है, उनसे डरता है और उनको मारने की कोशिश करता है, वो भी और वो भी। तो एलिनेट क्या हो गया, मतलब वो एक दूसरे से, दोनों ही अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग प्रजाति के हैं, इसलिए वो दूसरे से अनफ्रेंडली है, इसलिए वो एक दूसरे से अनफ्रेंडली है। कैसे? एलिनेट, एलियन, 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 एक दूसरे से, हमसे, और एलियन जो होते हैं हमसे अनफ्रेंडली रहते हैं। मनी, एलिमनी का मीन्स होता है तलाक के बाद दी जाने वाला पैसा। तलाक कैसे करना है कि एक अली नाम का लड़का था, उसका उसकी वाइफ से, उसका उसकी वाइफ से तलाक हो जाता है, तो कोर्ट बोलती है बेटा अली अब मनी देनी पड़ेगी अपनी वाइफ को लाइफ टाइम एलिमनी के रूप में। बेटा अली अब मनी देनी पड़ेगी अपनी वाइफ को लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। अब कैसे देनी पड़ेगी? एलिमनी यानी तलाक के बाद दी जाने वाला पैसा, एलिमनी, एलिमनी। अगला बड़ा अले, अले का मीन्स होता है कम करना, शांत करना, किसी चीज़ को कम करना। कम करना किसी भी चीज़ में हो सकता है, किसी चीज़ की इंटेंसिटी को कम करना, शांत करना, ठीक है, शांत करना। वैसे एग्जैक्ट आंसर आता है इसका शांत करना। तो कैसे याद करेंगे? अगर कोई बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, चल रहा है घुटनों के बल चलते, या अभी भी चलना शुरू करा है, अगर वो गिर जाए, अगर वो गिर जाए तो एकदम चिल्लाता है, बहुत तेज चिल्लाता है, ठीक है, एक्रिड हार्श आवाज में चिल्लाता है, अभी बताते हैं एक्रिड कैसे करते हैं। चिल्ला रहा था, काफ़ी रो रहा था, एक तो एकदम से पेरेंट्स आते हैं, ले 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 मेरे बच्चे, लो कैसे लग गई, कैसे लग गई, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे करते अले 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 करके उसको चुप कराने की कोशिश करते हैं, उसको शांत करने की कोशिश करते हैं। अले का मीन्स हो गया अले अले करा के उसको शांत करने की कोशिश करते हैं, यानी उसका आंसर हो गया शांत करना। सेग्लिगेंस का मीन्स होता है राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम, ठीक है, राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। देश प्रेम भी हो गया, या फिर जो देश की रिलेटेड, जो देश के फेवर में रहेगा, ठीक है, उसको हम एलिगेंस बोलेंगे। तो इसको कैसे याद करना है? ऑल रिलीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के सभी धर्मों को, सभी धर्म जो है वो एलिजेंस है। ऑल रिलीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का कोई सा भी धर्म उठा लो वो इंडिया के लिए एलिजेंस है, यानी देशभक्त है, ठीक है। ऑल रिलीजन ऑफ इंडिया एलिगेंस है इंडिया के लिए, ठीक है, यानी राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है, देश से प्यार करते हैं। तो इस तरीके से याद करने हैं एलिजेंस मीन्स ऑल रिलीजन, ऑल रिलीजन, ऑल। एलिग्री का मीन्स होता है वो चीज़ का सिंबल बन चुका है, किसी चीज़ का वो सिंबल बन चुका है। अगर रनिंग में कर रहे हैं तो मिल्खा सिंह हमारे सिंबल है, ठीक है। अगर हम उसको कुछ भी बना सकते हैं तो उस चीज़ का सिंबल, ब्रांड है एक तरह का, ठीक है, लेकिन सिंबल के वे में यूज होता है, मेटाफोर है उसका, मतलब उसको ऐसे दिखता है वो चीज़, ठीक है, रूपक है हिंदी में, तो मेटाफोर हो गया, रूपक हो गया, या सिंबल, मेन सिंबल हो गया, प्रतीक है उस चीज़ का। तो इसको कैसे याद करना है कि इंडिया में जितने भी मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड के कंपटीशन होते हैं, तो उन सब में कौन जाती है? गोरी लड़कियाँ जाती हैं, ठीक है, उन सब में गोरी लड़कियाँ जाती हैं। तो बोला जाता है कि सभी ऑल गोरी लड़कियों का, ऑल गोरी लड़कियों का जो एम होता है, ऑल गोरी लड़कियों का जो एम होता है मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स बनने के लिए, जो भी होता है उनका जो एलिगरी है, उनका जो कोई मतलब मेन वो सिंबल है कि हाँ भाई उसकी तरह ये बनना है, तो वो कौन होती है? हमारी ऐश्वर्या। तो वो कौन है? ऐश्वर्या। तो ऑल गोरी लड़कियों का एलिगरी ऐश्वर्या, वो छोड़ दो ऐश्वर्या से मतलब नहीं है, ऑल गोरी लड़कियों का एलिगरी यानी कोई रूपक होता है उनके मन में होता है कि वो सुष्मिता की तरह बनना चाहती है, ऐश्वर्या की तरह, ठीक है। तो उस तरीके से हर एक ऑल गोरी, हर एक गोरी लड़की का एक एलिगरी होता है, ठीक है, एक सिंबल होता है कोई। अगला बड़ा एलिवेट, एलिवेट मीन्स होता है हमारा कम करना। अब कम करना कई बार आ रहा है, एले मीन्स भी कम करना होता है, ठीक है, शांत करना होता है, कम करना, ये कम करना कई तरीके में आ सकता है, एग्जैक्ट मीनिंग होता है कम करना, लेकिन कम करना कैसे? किसी का दुख कम करना, ठीक है, किसी का दुख कम करने के वे में हम इसको यूज करते हैं एलिवेट। तो एलिवेट का आंसर कैसा था कि जिम में डंबल उठा रहा था एक लड़का, ठीक है, जो लेट के वाली लेटने की होती है बेंच पे लेट के करते हैं, तो डंबल ऐसे उठा रहा था, तो उसका जो वेट था वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, वो उठा नहीं पा रहा था, तो इतना हो गया था एक बार में कि वो एकदम से उसके ऊपर गिरने को हो रहा था, मतलब उसको दबने वाला था, सांस नहीं आ रही, वो चिल्लाता अपने फ्रेंड से, अरे बहुत तेज हो गया, बहुत वेट जो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, कुछ हेल्प करो। तो फटाफट से दूसरे फ्रेंडों ने उसको क्या करा, हटा दिया, तो उसका वेट जो है वो कम कर दिया, यानी उसका जो पेन हो रहा था उसको, उसको कम कर दिया, पेन को कम कर दिया। वेट जो था जिम में, वेट जो था जिम में जो बंदा कर रहा था उसका वेट कम कर दिया, जिससे उसको पेन अब कम हुआ। जैसे वो कर रहा था, करते 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 उसको लगा कि वेट बहुत ज़्यादा हो गया, मेरे उस पर गिर जाएगा, हड्डी वड्डी भी टूट सकती है, तो उसके फ्रेंड ने उसको वेट को कम कर दिया और उसको एलिवेट लगा। दैट मीन्स क्या होता है? कम करना, ठीक है, कम करना या धीरे धीरे कम होना, धीरे धीरे कम होना, धीरे धीरे कम होना, ठीक है, धीरे धीरे कम होना, या धीरे धीरे उतरना, या धीरे धीरे उतरना, या फिर धीरे धीरे उतरना, धीरे धीरे उतरना, उतरना, उतरना का मीन्स भी तो ये होता है कम होना, उतर रहा है कोई चीज़, पानी का लेवल कम हो रहा है, उतर रहा है, ठीक है, एलाइट।
तो एक मीनिंग तो हमारा ये होता है, दूसरा मीनिंग होता है इसका प्रकाश, रोशनी, ठीक है, उजाला, जलना, प्रकाश करना, जलाना, ठीक है, जलाना किसी को, जला के जलाना किस वे में, प्रकाश के वे, लाइट करो, लाइट, ठीक है, उस वे में। तो लाइट से रिलेटेड तो हमारा हो गया प्रकाश करना, लाइट का मतलब ही होता है प्रकाश करना। लेकिन जो दूसरा मीनिंग था वो कैसे अर्थ करना है कि जो फ्लाइट होती है, जब वो रनवे पे उतरने वाली होती है तो धीरे 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 नीचे उतरती है, ठीक है, उड़ रही होती है, धीरे 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 नीचे होती है। तो फ्लाइट जो है अलाइट करती है रनवे पे उतरने से पहले, धीरे 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 कम होती है, धीरे धीरे कम होती है, फिर उस पर आती है, धीरे धीरे कम होना है, धीरे धीरे उतरना। तो मोस्टली ये यूज़ कहाँ पर होता है हमारा, ये हमारा होता है रेलवे से, जब रेल से हम उतरते हैं तो हम अलाइट करते हैं, या बस से उतरते हैं अलाइट कर, धीरे धीरे उतरते हैं, ठीक है। ठीक, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एलिट्रेशन का मीन्स ये होता है हिंदी में अनुप्रास अलंकार। अगर आपको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एलिट्रेशन वाला वर्ड आपको कई बार एग्जाम में क्वेश्चन के में पूछा होगा कि इसमें से कौन सा इसमें अलंकार दिख रहा है, ठीक है। अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है कोई एक वर्ड अगर बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो एलिट्रेशन का मीन्स होता है किसी चीज़ की रिपीटेशन, किसी चीज़ की रिपीटेशन, वो आवाज़ भी हो सकती है, ठीक है, किसी आवाज़ की बार बार रिपीटेशन है, सा रे गा 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 गा, वही चीज़ की रिपीटेशन हमारी, तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं, अनुप्रास अलंकार, हिंदी में अनुप्रास अलंकार। अदरवाइज आपको याद रखना किसी चीज़ की रिपीटेशन, किसी भी चीज़ की रिपीटेशन, मोस्टली आवाज़ के वे में, साउंड के वे में। अगला बड़ा एल्यूड, एल्यूड का मीन्स होता संकेत, एल्यूड का मीन्स होता संकेत। तो उसको कैसे याद करना है कि मेरे घर में जिस दिन भी आलू की सब्जी ज़्यादा आ जाए, आलू ज़्यादा आ जाए, मेरे घर में जब भी आलू ज़्यादा आ जाए तो मुझे कन्फर्म संकेत मिल जाता है कि भाई कल मेरे घर में आलू के पराठे बनने वाले हैं, ठीक है, कल मेरे घर में आलू के ही पराठे बनेंगे, पूरे सुबह से लेकर शाम आल पराठे बनेंगे, आलू की सब्जी बनेगी। तो एल्यूड मीन्स हो गया कि आलू देखते ही, जब भी मेरे घर में आलू की सब्जी आती थी मुझे एल्यूड हो जाता था, संकेत मिल जाता था भाई अब कल जो हमारे घर में आलू की सब्जी, आलू के पराठे ही बनेंगे। अगला बड़ा एल्योर, एल्योर का मीन्स किसी चीज, किसी को अट्रैक्ट करना, किसी को अट्रैक्ट करना। तो इसको कैसे याद करना, जैसे एडुलेशन, ठीक है, मन को हरने वाला, लेकिन वो किसी और कर रहा है, अपने आप मन को हरने वाला, हम उसको, वो बंदा करता है, तो एले इसका एल्योर का मीन्स होता है किसी को अट्रैक्ट, हम करना चाह रहे हैं उसे, अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो अपनी कोई खूबी उसे बताना चाह रहे हैं। तो कैसे बता रहे हैं कि वो बोलता है, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, वो उसको शादी के लिए प्रपोज करता है, वो कहती है मुझे नहीं करनी, तो वो कैसे बोलता है कि मेरा जितना भी है, मतलब मेरे पास जितना भी पैसा है वैसा है सब कुछ तेरा है, ठीक है, बस मेरे से एक बार शादी कर ले, ऑल इज योर, ऑल इज योर, ठीक है। वो क्या कर रहा है, उसको ऐसे बोल के पटाने की कोशिश कर रहा है, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। एल्योर का मीन्स होता है अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट करना, ठीक है, अट्रैक्ट करना। तो तरीका है बस एक याद करने का, ठीक है, एक तरीका मैंने आपको लिंक बताया, अट्रैक्ट करना, अट्रैक्टिव वे में बोलना, तो उस चीज में आता है ये। अगला वर्ड है अलाय, बोलते हैं ना एनडीए का अलाय है, इसका यूपीए का अलाय है, तो अलाय मीन्स क्या हो गया, अलग अलग पार्टियों का एक गठजोड़, एक गठजोड़। तो इसको मैं कोई ट्रिक ना बता के डायरेक्ट आपको बताया, अलाय का मीन्स गठजोड़। तो इसमें दिखा भी लिखा है कि कुछ लोग तो अलग अलग लोगों का, अलग अलग लोगों का एक अलाय बन, अलग अलग पार्टियों का अलाय बन जाना, यानी गठजोड़ होता है, सपोर्ट करना, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करके एक अपनी सरकार बना लेते हैं। तो ये स्पेशली ना पॉलिटिशियन के लिए यूज होता है अलाय बनाना, कई बार आपने वर्ड दिखा होगा तो पॉलिटिक के वे में ही यूज होगा, पॉलिटिशियन के वे में ही यूज हुआ होगा, सपोर्ट करना, उसको गठजोड़ बनाना। अगला वर्ड है अलूफ, ठीक है, आलूफ। तो यहाँ भी आलू थे, वहाँ पे एल्यूड था, जब भी आलू की सब्जी, यहाँ पे आलूफ लिखा है, आलूफ। तो आलूफ को आपको कैसे याद करना है, अब ये भी आलू से लिंक है, लेकिन मैं आपको पूरा बता दूँ, वहाँ पे एल्यूड बहुत आसान है। अभी हमने एल्यूड वर्ड यूज़ करा था, वहाँ पे भी हम आलू वर्ड को यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे भी हम आलू वर्ड यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे आलूफ के साथ कौन दिख रहा है हमें, कौन दिख रहा है हमें, इंजमाम उल हक, इंजमाम उल हक का जो नाम था उसके आलू के जो फैन थे, आलू के फैन, यानी इंजमाम उल हक के फैन, आलू एफ माने फैन, आलू के जो फैन थे इंजमाम उल हक को आलू बोलते थे। अब वो आलू 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 बोलते रहते, तो वो इतना झुंझला जाता था, इतना गुस्सा हो जाता था, इतना नाराज हो जाता था, तो आलू का आंसर क्या, अनफ्रेंडली, ठीक है, अनफ्रेंडली आंसर है इसका, एक आंसर है अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली, यानी वो जो है इस तरीके से उसके आलू आलू बोलते थे सारे उसके फ्रेंड, जो उसके फैन थे, तो उसको आलूफ हो गया, वो उनसे अनफ्रेंडली हो गया, झुंझला जाता था, उनसे गुस्से में बातें करता, उस वे में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, उनको पसंद नहीं करता। देखिए अगला वर्ड है अल्टरकेशन, अल्टरकेशन को आपको कैसे याद करना है, अल्टरकेशन को ऐसे याद करना कि दो मतलब जो फ्रेंड मान लिया दो बंदे हैं उनके बीच में लड़ाई झगड़ा, छोटी मोटी लड़ाई होना, ठीक है, या बातों बातों वाली लड़ाई होना, बहुत गुस्से में बातों वाली लड़ाई होना, लड़ाई होना मोस्टली लड़ाई होना, लेकिन बातों की होना नॉर्मली होना, लड़ाई होना, ठीक है, यानी वो एक दूसरे से सहमत नहीं है, एक दूसरे की बातों से सहमत नहीं, एक दूसरे से चिल्ला चिल्ला के दूसरे को
चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे डिबेट हो जाना, डिबेट जब होती है तो वो क्या हो जाता है, हमारा एल्टरकेशन हो जाता है, उनके बीच में नोकझोंक, तीखी नोकझोंक होना। तो आपको कैसे याद करना है कि सपोज कीजिए आपने अपनी पैंट एल्टर करने के लिए दी किसी को, किसी उसको दर्जी को, कि भाई इसको एल्टर कर दो, और सोचने एल्टर इतनी बेकार करी कि वो फिटिंग भी खराब हो गई। ठीक है, मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ वैसे, ठीक है। तो फिटिंग खराब हो गई, अब आपकी और उस दर्जी के बीच में जो टी की नोक झोंक हो रही है, तूने ऐसा करते मैं तो इतने पैसे दिए थे, ये था वो था फलाना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रकेशन। तो आपने अल्टर करने के लिए दी थी, अब अल्टर उसने कर दी खराब, और आपकी और उसके विषय में अल्ट्रकेशन हुआ, टी की नोक झोंक हो रही है। ठीक है, लड़ाई हो रही है, टी की नोक झोंक हो रही है, टी की नोक झोंक। बड़ा अल्ट्रिस्टिक, अल्ट्रिस्टिक मीन्स होता है मानवता प्रेमी, यानी सभी लोगों से जो प्यार करता है, मानवता प्रेमी। ये कई बार वन वर्ड शब्द में आ चुका है। अगर हम मानवता प्रेमी का मतलब हो गया कि ऐसा बंदा जो हर किसी मानव से प्यार करता है, इंसान से प्यार करता है, तो उसको बोलते हैं अल्ट्रिस्टिक। तो सबकी हेल्प भी करने वाला होता है जो ऐसे बंदा होता है। ठीक है, तो आपको कैसे याद करना है, दुनिया का हर एक इंसान ट्रू बोलता है, दुनिया का हर इंसान ट्रू बोलता है, अल्ट्रिस्टिक ऐसा सोचता है। ठीक है, क्यों, वो से क्योंकि वो सभी लोगों पर विश्वास करता है, सभी लोगों से प्यार करता है। ठीक है, तो मानवता प्रेमी, उसके लिए सभी लोग जो है हिंदू मतलब पूरे वर्ल्ड के वो बिल्कुल सच्चे हैं, बिल्कुल सभ्य इंसान हैं, तो वो ऐसा सोचता है, वो एल्ट्रिस्टिक है, वो उन सभी के से प्यार करता है, यानी मानवता प्रेमी है, उसके लिए सभी लोग जो है सच्चे हैं, वो ऐसा सोचता है क्योंकि वो सभी से प्यार करता है, मानवता प्रेमी है। ठीक है, ऑल्ट्रिस्टिक, वो सोचता है सभी सच्चे हैं, ऐसा क्यों सोचता है, क्योंकि वो खुद एल्ट्रिस्टिक है, सभी से प्यार करने वाला होता है। इमेजिन, इमेजिन मीन्स होता है एक बहादुर लड़की, बहादुर लड़की या फिर एक आदिवासी लड़की। ठीक है, उस समय हम यूज़ करते हैं इमेजिन का, लेकिन योद्धा टाइप में लड़की एक ऐसा ही जो योद्धा की होती है। तो आपको कैसे याद करना है, अमेजन नदी के पास जो जंगल है, वहाँ के आदिवासियों की लड़कियाँ काफ़ी अमेजन होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी योद्धा टाइप की होती है। अमेजन नदी के पास जो जंगल है, वहाँ की लड़कियाँ काफ़ी अमेजन होती हैं, ठीक है, योद्धा टाइप की होती हैं। चलिए, वैलेंस, एम्बीवैलेंस का मतलब होता है हमारा दोनों तरफ, एम्बीवैलेंस का मतलब होता है दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ विचार करने वाला, मतलब उसका आंसर इधर भी है, उसका आंसर उस साइड भी है, मतभेद पैदा करे, क्योंकि किसने का ऐसा आंसर बता दिया कि मतभेद पैदा कर रहा है, ना तो हाँ में ना कि ना ही ना में। तो आपको कैसे याद करना है, तो आपने इस वर्ड सुना होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, एम्बीडेक्स्टर, यानी दोनों हाथों से लिखने वाला। तो एम्बी माने ही होता है दो, एम्बी माने ही होता है दो। ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं, बैलेंस मिस हो गया, बैलेंस यानी दोनों तरफ, तराजू टाइप का एक लिंक दिखा रहा है यहाँ पे, दोनों तरफ बैलेंस है, यानी उसकी बात ऐसी है, वो दोनों तरफ ही बोल रहा है, यानी हाँ बोल रहा है ना ही ना बोल रहा है। तो एम्बीवैलेंस हो गया, यानी मतभेद पैदा कर रहा है, कैसी चीज़, एक उसने ऐसा आंसर दिया जो हमें मतभेद पैदा कर रहा है, मतभेद पैदा करना, एक ऐसा आंसर जो हमें मतभेद पैदा कर रहा है। तो कैसे याद करना है, एम्बी माने दो और बैलेंस में दोनों तरफ बैलेंस है, यानी मतभेद पैदा कर रहा है। ठीक है, उसका जो आंसर है वो हमें परफेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है, हमें वो डाउट मिला रहा है। अगला वर्ड है एम्बल, तो आपको याद रखना है कि कहीं पे भी एम्बल लिखा हुआ दिख जाए, इसका मतलब ये होता है वॉक, चलने से मतलब है, जैसे एम्बुलेंस, ठीक है, जैसे एम्बुलेटरी स्किल, ठीक है, यानी चलने वाली स्किल, एम्बुलेटरी स्किल हो गया। ठीक है, और कहीं भी वर्ड आ जाए एम्बल से रिलेटेड, तो हमारे चलने से रिलेटेड होगा, कहीं पे भी एम्बल लिखा दिख जाए तो एम्बल। ठीक है, तो इसको याद करने का अब यही तरीका है कि एम्बल लिखा हुआ दिख जाए तो वॉक से रिलेटेड है, तो धीरे धीरे चलना लिखा हुआ यहाँ पे, इसका आंसर एम्बल मिस हो गया, धीरे धीरे चलना, सॉन्टर करना, SAUNTER, सॉन्टर करना, धीरे धीरे चलना, एम्बल। एम्ब्रोसिया मीन्स जबरदस्त खाना, बहुत स्वादिष्ट खाना, स्वादिष्ट खाना, स्वादिष्ट खाना, ये ऐसे बन गया वैसे, स्वादिष्ट खाना, स्वादिष्ट भोजन। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त खाना है, बढ़िया भोजन है, बहुत स्वादिष्ट है, तो उसमें में हम एम्ब्रोसिया यूज़ करते हैं, बहुत ही मतलब जैसे अभी ट्रंप आए हुए हैं तो उनके लिए बहुत स्पेशल खाना बनेगा। तो एम्ब्रोसिया का जो आंसर है उसको, इस ट्रिक को कैसे याद करना है, कि अगर भगवान के लिए अगर खाना बनाया जाए, सपोज़ कीजिए कि धरती पर भगवान का अवतार जब हुआ था, ऐसे बोल जब बोल या आप ऐसे याद कर लीजिए, धरती पर जब भगवान का अवतार था तो उनके लिए खाना बनाने के लिए अंबर से रसोई आता था। ठीक है, अंबर से रसोई आता था उनके लिए, जब वो भगवान का यहाँ पे मतलब ये मान लो कि जब भगवान के लिए अगर खाना बनाया जाता था पहले के टाइम पे, तो अंबर से यानी ऊपर स्वर्ग लोग से रसोई आता था बनाने के लिए, अंबरोसिया कब आता था, बढ़िया खाना, बहुत बढ़िया खाना बनाने के लिए, स्वादिष्ट भोजन। ठीक है, एम्बुलेटरी का भी मैंने बताया था, कहीं पे भी एम्बल लिखा दिख जाए, एम्बुलेटरी एम्बल से रिलेटेड है, तो हमें कैसे याद करना है, एम्बल, ठीक है ना, तो यानी ये भी चलने से रिलेटेड, एम्बुलेटरी हो गया, एम्बुलेंस हो गया, तो वॉकिंग, वॉक से रिलेटेड है, तो कैसे हो जाएगा, एबल टू वॉक, यानी चलने योग्य है, एम्बुलेटरी में सब चलने योग्य है, एबल माने ही होता है
ठीक है। अगला वर्ड है एम्बुलेटरी, तो एम्बल से रिलेटेड हो गया, तो इसको वॉक से याद करना। एम्बल हमारा कहीं दिख जाए तो हमारा वॉक लगा दीजिएगा। होता है पहले से इम्प्रूव करना या पहले से और बढ़िया करना, पहले से इम्प्रूव करना ठीक है या बढ़िया करना, इसको हम इस तरीके से याद करेंगे, बढ़िया करना ठीक है या इम्प्रूव करना। तो यहाँ पे अमूल की एक लड़की दिख रही होगी, अमूल किस, अमूल की ये जो लड़की दिखती है ये हमें किस दिखती थी, अमूल के मक्खन में ठीक है, तो बटर पर दिखाई पड़ती थी। तो बीच में क्या हुआ था, उसकी जो सेल थी वो हो रही थी, वो हो रही थी उनके रेट की वजह से, उनके रेट की वजह से उनका रेट थोड़ा महंगा हो गया था। तो अमूल वालों ने क्या करा, अमूल वालों ने अपने रेट को कुछ कम करा, अपने रेट को कुछ कम करा ताकि उनकी सेल इम्प्रूव हो जाए, ताकि उनकी सेल इम्प्रूव हो जाए। तो अमूल का रेट, अमूल बटर का रेट कम करने से अमूल उसकी जो सेल है एम्यूलरेट हो गई, इम्प्रूव हो गई ठीक है। आपको इस तरीके से याद करना है कि अमूल बटर का जो रेट है वो कम करने से उसकी जो सेल है वो एम्यूलरेट हो गई ठीक है। इसको आपको कैसे याद करना है, इसका आंसर होता है किसी चीज़ का गुस्सा बढ़ाना ठीक है, गुस्सा किसी को आना यानी गुस्से को और बढ़ा देना ठीक है। और इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं एग्रेंडाइज ठीक है, किसी चीज़ की पावर को बढ़ाना, उसका इसका सिनोनिम्स होता है। और इसका आंसर होता है कि और उस स्थिति को और बिगाड़ देना, और स्थिति को बिगाड़ देना, स्थिति को और बिगाड़ना, स्थिति को और बिगाड़ना, स्थिति को बिगाड़ना ठीक है, या गुस्सा स्थिति को बिगाड़ देना, अगर गुस्सा बढ़ेगा तब भी वो आंसर, या गुस्सा बढ़ाना, गुस्सा बढ़ाना, गुस्सा बढ़ना या गुस्सा बढ़ाना ठीक है। तो आपको कैसे याद करना है इसको, एग्रावेट को कैसे याद करना है। एक लड़का था, उसका वजन बहुत ज़्यादा था, उसका वेट बहुत ज़्यादा था। एक डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर के पास जाके बोलता है मेरा वेट बहुत कम है, मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, मेरे वेट को कुछ आप, मैं कम करना चाहता हूँ ठीक है, तो इसको जो है आप कोई मेडिसिन दीजिए ठीक है। वो मेडिसिन देता है, एक महीने की उसकी मेडिसिन देता है कि आपका अब जो वेट है वो दूसरे हफ्ते से कम होना शुरू हो जाएगा। पहले उसका वजन था 80 किलो, अब उसकी मेडिसिन से जहाँ उसका वजन 80 किलो था, वो जब एक महीना देखता है तो उसका वजन तो 20 किलो और बढ़ जाता है ठीक है, वो 100 किलो होगा। तो यानी उस, अब क्या होता है, उस डॉक्टर के पास जाता है, वो उस डॉक्टर के पास जाता है, उसको कॉलर पकड़ता है और एग्रावेट हो जाता है, उसका गुस्सा इतना ज़्यादा हो रहा है कि उसने बोला कि तूने मेरी स्थिति को और बिगाड़ दिया, स्थिति को और बिगाड़ दिया, जहाँ पहले 80 किलो था अब वो 100 किलो हो गया है। यानी क्या होता है, उसका वेट जो है वेट ज़्यादा हो गया था, इसलिए वो एग्रावेट हो गया, स्थिति और बिगड़ गई और उसका गुस्सा भी बढ़ गया, उसका गुस्सा भी बढ़ गया ठीक है। तो एग्रावेट को कैसे याद करना है कि एक मोटा सा लड़का था, उसका वजन 80 से 100 हो गया, तो डॉक्टर के पास जाके उसको बोलता तूने मेरी स्थिति को और बिगाड़ दिया, मेरा वेट और बढ़ गया, इसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, वो गुस्से के बारे में बोल रहा है, गुस्सा बढ़ाना या स्थिति को और बिगाड़ना इसका आंसर होता है। मींस होता है कोई जिम्मेदार जिसको, या फिर जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है, जिसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति होगा, कौन सा कोई जिम्मेदार व्यक्ति होगा काफ़ी ठीक है। तो इसका असली आंसर वैसे ये है कि जिसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं, एमिनेबल जिसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं, या वो व्यक्ति कैसा कोई जिम्मेदार व्यक्ति होगा। तो इसको कैसे कर सकते हैं, इस ट्रिक को कैसे करते हैं कि अमन जो था एक एमिनेबल लड़का था, उसको कंट्रोल कर सकते थे ठीक है, यानी वो जिम्मेदार व्यक्ति था ठीक है। या फिर ऐसे याद कर लीजिए कि अमन जो एबल था किसी को भी कंट्रोल करने में, अमन जो एबल था किसी चीज़ को भी कंट्रोल करने में, किसी भी स्थिति को कंट्रोल कर लेता था और वो एक जिम्मेदार व्यक्ति था, एमिनेबल कंट्रोल करना किसी भी चीज़ को, अमन जो था एबल था किसी भी स्थिति को कंट्रोल करने में, टू कंट्रोल ठीक है, कंट्रोल इसका आंसर है, कंट्रोल करना। आज हमारा बड़ा एमिएबल है, एमिएबल मीन्स होता है फ्रेंडली, फ्रेंडली। तो आपको कैसे याद करना है, तो बहुत इजी वर्ड है फ्रेंडली, कैसे याद करना है, वर्ड के स्टार्टिंग में लिखा अम्मी, और अम्मी क्या चीज़ होती है हमारी, फ्रेंडली होती है ठीक है। अम्मी एबल, एमिएबल, एमिएबल को स्टार्टिंग वर्ड देखें तो अम्मी लिखा होता है, अम्मी क्या होती है, फ्रेंडली होती है। तो इस तो बहुत आसान वर्ड था, आप बोलेंगे इसमें भी है कि इसमें आप बोलेंगे एमिएबल तो अम्मी जो है योग्य है ठीक है, आपको कुछ कुछ तो याद ही करना पड़ेगा ना कि एमिएबल है और कि एमिकेबल है, उसमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो अम्मी जो थी वो क्या थी, हमारी फ्रेंडली थी, लेकिन इसमें भी वर्ड आ रहा है एमिकेबल में भी अम्मी वर्ड आ रहा है, लेकिन क्या से इसको याद करना है, इसका लिंक भी लगभग लगभग हमारा वैसे ही है। तो अम्मी जो थी वही फ्रेंडली वे में आ जाएगा, अम्मी भी लिखा हुआ है और केबल भी लिखा हुआ है, लेकिन इसका आंसर भी वही है लगभग, फ्रेंडली वे में पोलाइट है, फ्रेंडली वे, अम्मी केबल, एमिकेबल और एमिएबल दोनों का मीनिंग लगभग फ्रेंडली वे में ही आंसर आ जाएगा। जो फ्रेंडली होता है वो काफ़ी पोलाइट होता है, जो फ्रेंडली होता है वो काफ़ी पोलाइट होता है, तो उस वे में ही हमें इस चीज़ को याद करना है। तो फ्रेंडली आंसर हो गया एमिएबल का भी और एमिकेबल का। मिस का मिस होता है कि कुछ गलती है, कुछ हमसे गलत हो गया, कुछ फॉल्ट हो गया हमसे। तो जैसे कि अगर आप देखना होगा, हमने CID वगैरह देखा होगा, तो उसमें बोलता है
कि जब वो वहाँ पे जांच करने जाते हैं, चारों तरफ देखते हैं, तो वो बोलता है अपने जो है, जो उसके साथ के जो ऑफिसर होता है, कि कुछ भी मिस ना हो जाए, एक ही चीज़ को हमें ध्यान से देखना है। ये आपने देखा भी होगा मूवी वगैरह में, पुलिस जब दिखाते हैं उसमें, तो बोलते हैं अपने सबॉर्डिनेट से कि कुछ भी चीज़ मिस ना हो जाए, एक ही चीज़ को हमें चेक करना है। वो क्यों करता है कि कुछ भी फॉल्ट ना रह जाए, ठीक है, रिलेटेड टू फॉल्ट। तो एमिस का आंसर होता है रिलेटेड टू फॉल्ट, कुछ गलती से, किसी तरह की कोई गलती ना हो जाए, किसी तरह का कुछ मिस ना हो जाए। एमिस मिस हो गया, फॉल्ट, कुछ गलती ना हो जाए, एमिस यानी फॉल्ट। अगला बड़ा एमनीशिया, एमनीशिया मिस होता है याददाश्त से रिलेटेड, याददाश्त खो जा रहा है उसमें में रिलेटेड, ठीक है, याददाश्त, ठीक है, याददाश्त, ठीक है, मेमोरी से रिलेटेड है, ठीक है, मेमोरी से रिलेटेड है हमारा ये, मेमोरी हमारी जो है कम हो जाना, ठीक है, मेमोरी कम हो जाना या मेमोरी फेल हो जाना, उस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, इंजरी लग जाती है माइंड में, तो उसमें हम एमनीशिया यूज़ करते थे। एमनीशिया को कैसे करना है कि जो लोग नशे में रहते हैं, नीशिया, जो लोग नशे में रहते हैं, या निशा नाम की लड़की जो थी वो नशे में रहती थी, तो यानी वो एमनीशिया में रहती थी, नशे में रहने की वजह से हमेशा याददाश्त की कोई मैं कहूँ ऐसे कर जाती थी, तो एमनीशिया का आंसर हो गया याददाश्त खोना। नशे में रहने वाले लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कि नशे में रहने वाले लोगों की याददाश्त जो होती है एमनीशिया होती है, याददाश्त कमजोर होती है, ठीक है, याददाश्त रिलेटेड था। एमनेस्टी मीन्स होता है क्षमादान, एमनेस्टी मीन्स होता है क्षमादान। तो आपको इसको कैसे याद करना है कि मेरे आम नष्ट कर दिए, मेरे बाग के आम नष्ट कर दिए, फिर भी मैंने उन बच्चों को एमनेस्टी दे दी, मेरे बाग के आम नष्ट कर दिए, फिर भी मैंने उन बच्चों को एमनेस्टी दे दिया, क्षमादान दे दिया, मतलब कुछ डाटा वाटा कुछ नहीं करा, उनको माफ कर दिया। बड़ा एमोक, एमोक मीन्स होता है एकदम से पागल सा हो जाना, ऐसा बिहेवियर करना, पागलों की तरह बिहेवियर करना, ठीक है, पागलों की तरह बिहेवियर। तो आपको कैसे इसको याद करना है कि सपोज कीजिए आप किसी भी ट्यूशन में पढ़ते हैं, किसी भी ट्यूशन में पढ़ते हैं, आप स्कूल में टाइम को याद कर लीजिए, अगर ट्यूशन में नहीं पढ़ते हैं, आप स्कूल में पढ़ रहे थे और एकदम से टीचर आके बोलता है कि आज क्लास में पढ़ाई नहीं होगी, आज मॉक टेस्ट है तुम्हारा, मॉक टेस्ट है, अमॉक, और सारे बच्चे अमॉक हो गए, टेस्ट की तैयारी किसी ने प्रिपरेशन करी नहीं थी, भाई पहले बताना चाहिए थोड़ी ना कि एकदम से तुम ले लोगे। तो इस तरह का ये लिंक है याद करने का कि टीचर ने आते ही बोला कि आज क्लास में पढ़ाई नहीं होगी, आज मॉक टेस्ट है तुम्हारा, तो सारे बच्चे अमॉक हो गए, पागल तरफ बिहेवर, और इतर को याद है कि ये और वो ऐसे करने लगे, ठीक है, अमॉक हो गए, सारे बच्चे अमॉक हो गए, पागलों की तरफ बिहेवर करने लगे, भाई मैं ये और ये सुनना होता है सुनना होता है। तो आपको याद कैसे करना है, मॉक टेस्ट की बोलने की वजह सारे बच्चे अमॉक हो गए। अगला बड़ा एमोरस, एमोरस मीन्स होता है सेक्सुअली डिजायर, ठीक है। तो आपको कैसे याद करना है कि जो इस तरह के लोग होते हैं वो सेक्सुअल जो है मोर 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 मोर, मतलब इस तरह के आप याद करने का तरीका है कि उनकी जो डिजायर होती है मोर होती है, ठीक है, इस तरह की जो डिजायर होती है वो काफ़ी मोर, मतलब और बोलते रहते हैं। तो एमोरस मीन्स हो गया सेक्सुअली डिजायर की इच्छा करने वाले व्यक्ति, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आज आपको वोकेबलरी का एक पार्ट का पार्ट टू भी करा दिया है। तो धीरे धीरे हम करते करते मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं आपको देना चाहता हूँ, वोकेबलरी भी होगी और इंग्लिश के कुछ ग्रामर्स के रूल्स भी होंगे, मैथ और रीजनिंग भी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो मैं जितना आपको दे सकूँगा, मतलब प्रोवाइड करा सकता हूँ, मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश